बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीजीपी के मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान ही दो आपराधिक वारदातें घटी है। दवा कारोबारी के साथ एक और व्यापारी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिस समय अपराधी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले ही डीजीपी ने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिले में अपराध पर नियंत्रण को लेकर बैठक की थी, लेकिन बैठक के कुछ ही घंटों बाद अपराधियों ने दुस्साहस दिखाया और दो वारदात को अंजाम दिया। गोली मारने के बाद अपराधियों ने व्यापारी से बाइक लूट ली और छाता चौक के पास वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घायल व्यापारी संजय ठाकुर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक दवा कारोबारी पर भी जानलेवा हमला हुआ। अरे भाई, वो पत्नी के दिखा करके पटना से वैवे किया है, रास्ता में पत्नी के चोट लग गया है, तो नगेंद्र बाबू के यहाँ उसका जो है सो इलाज करा उरा करके हम भी साथे थे, वहाँ से लेकर के डेरा पर गया है रखने, रख करके डेरा पर नीचा उतरा है तो गाड़ी वही छीना, गोली मार दिया है। कितना गोली लगा? दो गोली मार। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नवीन जुड़ रहे हैं। नवीन, एक ओर जिले में अपराध को नियंत्रण को लेकर डीजीपी बैठक करते हैं और दूसरी ओर अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। प्रशासनिक मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रही हैं ये घटनाएं। मुजफ्फरपुर में क्राइम को लेकर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि एक तरह डीजीपी लगातार क्राइम मीटिंग कर रहे थे, तो वहीं इससे पहले चुकी दवाई व्यवसायी थे अहियापुर थाना क्षेत्र के, उनको गोली मार दी गई। उसके कल होकर के फिर एक, यानी कि कल देर रात चूंकि सैलून चलाने वाले सैलून संचालक थे, उनको गोली मार दी गई। तो लगातार दो दिन में दो गोली की घटना, लगातार डीजीपी कल कैंपेनिंग कर रहे थे, लगातार चार जिलों के एसपी से मीटिंग कर रहे थे क्राइम को लेकर के, उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से मुजफ्फरपुर की अपराधी लगातार गोली की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यवसायी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक शिकार हो रहे हैं। लगातार अपराध की घटनाएं मुजफ्फरपुर में खास बढ़ती जा रही है। दो दिनों की अगर हम बात करें तो दो दिनों में दो गोली की घटनाएं घटी है दीपक। नवीन, क्राइम मीटिंग का क्या परिणाम निकलकर फिर माना जाए सामने आ रहा है? जी कुछ भी क्राइम मीटिंग, डीजीपी जाते हैं क्राइम मीटिंग करते हैं, उसके बाद स्थिति वही सामान्य हो जाती है, और सामान्य होने के बाद आप देख सकते हैं कि एक तरफ डीजीपी यहां से पटना की ओर रवाना होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोली की घटनाओं को वारदात देता है अपराधी खुलेआम। चूंकि जिस तरह से गोली मारी गई है और लगातार जो दो दिनों में दो बड़ी घटनाएं, दवा व्यवसायी की और ये सैलून संचालक की, तो दोनों बड़ी घटनाएं दो दिनों में लगातार ये मुजफ्फरपुर में घट रही है। लगातार अभी प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई दोनों की अभी गिरफ्तारी की बात नहीं हुई है दीपक। नवीन, डीजीपी निर्देशित करके गए होंगे पुलिस अधिकारियों को कि अपराध पर, अपराधियों पर कैसे लगाम लगाया जाए? वारदातें तो हो रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है ये भी जानना चाहेंगे। जी दीपक, कई तरह की बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया, लगातार जो कि क्राइम पर बात की है, उन्होंने फॉरेंसिक पर भी चर्चा की, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर उन्होंने चर्चा की, चूंकि जो भी पेंडिंग पड़े हैं केसेस उन पर भी उन्होंने चर्चा किया, तो कई बिंदुओं पर क्राइम पर चर्चा की, उसके साथ साइबर थाना खोलने पर चर्चा की, तो कई तरह की डीजीपी ने चर्चाएं की। उसके बावजूद जिस तरह से अपराधी लगातार बेलगाम हो चुके हैं, लगातार डीजीपी यहाँ क्राइम मीटिंग कर रहे थे, उसके बावजूद भी चार जिले के एसपी यहाँ मौजूद थे। बिल्कुल, ऐसे में अब चुनौती पुलिस के समक्ष है कि वो कैसे इन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए, सलाखों के पीछे पहुंचाए। धन्यवाद नवीन तमाम जानकारियों के लिए।